तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं नया डीटीएच कनेक्शन खरीदना है तो इसके लिए कौन सा डीटीएच आप खरीदेंगे, तो इसके बारे में दो डीटीएच इंडिया का जो मोस्ट टॉप दो डीटीएच इसके बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे आज इसके वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है इसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सको। तो डीटीएच जो इंडिया का टॉप मोस्ट डीटीएच है उसमें दो डीटीएच है, जैसे एक टाटा स्काई है, एक सेकंड हो गया एयरटेल डिजिटल टीवी। तो मैं दोनों डीटीएच के बारे में फ़र्क बताऊंगा जो कि आपको, क्योंकि भाई पैसा जब आपका है चॉइस भी आपका है तो आपने खरीदना है, तो बस फर्क बता रहा हूँ दोनों में क्या क्या है, सर्विसेज बारे में कैसा है, उनका पैकेज मॉडिफिकेशन का प्रोसेस कौन सी है, पैकेज आप कोई भी पैकेज किसमें सस्ता है किसमें कॉस्टली है। तो सस्ता कॉस्टली किसी में भी नहीं है, तो ट्राई के रूल्स आने के बाद से दोनों पैकेज दोनों में हर किसी का एक ही बराबर का पैकेज है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है ऐसा ऐसा। तो मेरा नाम संजय है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोटल्स का एचडी नया कनेक्शन में आपको एक कंप्लीट कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपका 10 मीटर वायर्स रहेगा, एक एलएनबीएफ डिश एंटीना कंप्लीट सेट रहेगा और साथ में ये आपका 10 मीटर केबल्स रहेगा और सेटअप बॉक्स रहेगा, रिमोट रहेगा, एडप्टर रहेगा, एचडीएमआई केबल रहेगा। जो एचडीएमआई केबल इसमें एचडी रेजोल्यूशन है आपका 1080i का रेजोल्यूशन में पिक्चर दे रहा है, तो पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है इसमें। तो इसका कॉस्ट मैंने बता ही दिया आपको, 1599 का है। तो इसमें वन मंथ का पैकेज भी फ्री है और प्लस 3 इयर्स का प्रोडक्ट वारंटी है, जो 3 साल का प्रोडक्ट वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी। इसमें क्या है ना, आपको मान लो आपका 3 साल का अंदर कभी भी प्रोडक्ट ख़राब हुआ है, कुछ में ख़राब हुआ है, मान लो कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आपका सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया या फिर कुछ भी खराबी हो गया, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेगा। बट उनका सर्विस का इशू में मतलब टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया, जो इंजीनियर विजिट जो टेक्नीशियन विजिट होता है आपका घर पे, तो वह 1 ईयर्स तक ही है। 1 साल तक आपका कोई भी प्रॉब्लम्स हो कंपनी की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाएगा। आफ्टर 1 ईयर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो या चाहे कुछ भी हो, इसके लिए आपको चार्जेस वही लगेगा, विजिट चार्जेस जो 150 विजिट चार्जेस होता है वो लगेगा। तो बाकी है उनका पैकेज ट्राई के रूल आने के बाद उनका पैकेज में भी काफ़ी सस्ता पैकेज हो गया, जो 197 का एक पैक दे रहा है टाटा स्काई, साथ में प्लस 199 का कोई एक पैक दे रहा है हिंदी बेस्ड पैकेज है कुछ, तो पैकेज भी बढ़िया है। तो उनका पैकेज चेंज ऑप्शन तीन पैकेज चेंज ऑप्शन, माई टाटा स्काई में लॉगिन करके आप पैकेज चेंज करते आपके चॉइस के मुताबिक, या फिर आप टाटा स्काई मोबाइल ऐप बोल के एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फिर आपका मोबाइल से अपने अपना पैकेज मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो तुरंत हो जाता है ये। और थर्ड पॉइंट है कि आपका ये दोनों प्रोसेसर भी आपको नहीं आ रहा है, तो डीलर के आप जो रिटेलर है उनके वहाँ से आप करा सकते हो, उनका एक एमसेल एप्लीकेशन है उसी से कर सकते हैं, तो ये मिनटों में हो जाता है, 2-3 मिनटों में। रिचार्ज के लिए इजी प्रोसेस है, जैसे आपका ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हो, आपका मोबाइल ऐप काफ़ी सारे पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे इस सारे से कर सकते हो, या फिर आपके रिटेलर के थ्रू से कर सकते हो। और सबसे बड़ा मिनिमम रिचार्ज है 50 रुपीज़, मिनिमम रिचार्ज 50 रुपीज़, इसमें मिनिमम आप 50 रुपये से भी रिचार्ज कर सकते हो इसमें। और सर्विस का इसका 24 आवर्स कॉल सेंटर हेल्पलाइन है, 24x7 हेल्पलाइन है उनका, कोई भी कॉल बुक कर आपका कोई भी प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स है किसी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वह कॉल बुक कर लो, आपको 24 से 48 आवर्स में आपका सर्विस मिल ही जाएगा। तो ये हो गया टाटा स्काई के बारे में बताया था जो मैंने। तो एयरटेल डिजिटल टीवी के भी 2 प्रोडक्ट के बारे में ही बोलता हूँ, स्टैंडर्ड कनेक्शन एंड नॉर्मल कनेक्शन दोनों के बारे में, और स्टैंडर्ड कनेक्शन और एचडी कनेक्शन, सॉरी मैंने नॉर्मल बता दिया था, स्टैंडर्ड एंड एचडी कनेक्शन। तो उनका एचडी फिलहाल 1800 का आ रहा है, तो एचडी कनेक्शन उसमें सेम प्रोसेस वही सब कुछ आपको मिलेगा, एक एचडीएमआई केबल, एडप्टर, रिमोट, इंस्टॉलेशन फ्री, सब कुछ, ये सब सिस्टम एक ही है लगभग, सब कुछ बराबर का ही मिलेगा, इसमें भी मिलेगा वही। तो आपका 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इस पर आ रहा है, तो एक्चुअली कंफर्म नहीं है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मे भी आ रहा है ना। और साथ में ये आपको इंस्टॉलेशन भी आपका घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो इनका सर्विस में थोड़ा टाटा स्काई के मुकाबले में इनका सर्विस में थोड़ा एक डिफरेंट है, ये मतलब क्या है ना, उनको 1 ईयर्स का सर्विस वारंटी रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट का ऊपर हो चाहे वो आपका इंजीनियर विजिट टेक्नीशियन विजिट हो, दोनों ही 1 ईयर्स का होता है। तो आफ्टर 1 ईयर्स कुछ भी हो तो आपको चार्ज पे करना है, जैसे टाटा स्काई में 3 इयर्स तक आपका प्रोडक्ट वारंटी, ए टू जेड जो भी प्रोडक्ट है सबका 3 इयर्स तक वारंटी है, बट इसमें ओनली 1 ईयर्स का ही वारंटी है। तो इसमें आपको 1 साल का बाद अगर कुछ ख़राब हो, चाहे वो प्रोडक्ट ख़राब हो या फिर चाहे आपका कुछ खराबी हो, तो आपको चार्ज पे ही करना है, प्रोडक्ट का जो चार्ज होगा वो पे करना है, और साथ में ये क्या है आपका ये जो टेक्नीशियन विजिट है उसका चार्जेस पे करना है, तो 150 जो चार्जेस होता है वो पे करना है। और इसके मुकाबले आपको टाटा स्काई में 3 इयर्स वारंटी दिया जा रहा है 3 साल का, जो कि आपको प्रोडक्ट का ऊपर, और जो टेक्नीशियन विजिट है उसके लिए तो 1 ईयर दोनों का ही बराबर है, पर एयरटेल में यहाँ पर थोड़ा 2 साल का वारंटी कम है प्रोडक्ट का ऊपर। और पैकेज के मामले में पैकेज बोले तो पैकेज भी उनका भी वही है, बट उनका नया पैकेज कुछ अब तक लॉन्च नहीं हुआ, जो था पहले वही है। तो बट साथ में और एक इशू है, इस इशू नहीं बल्कि मैं बता देता हूँ, साथ में ये आपका एयरटेल का
जो कि आपका 24 आवर्स हेल्पलाइन सर्विस है उनका भी है, कॉल बुक करो। प्रोसेस तो वही है, 24 से 48 का अंदर कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस है। ऑनलाइन पैकेज चेंज कर सकते हो माई टाटा माई एयरटेल डिजिटल टीवी में जाके, या फिर आप कर सकते हो उनका जो एक एप्लीकेशन है जो माई एयरटेल बोल के एक मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप कर सकते हो, या फिर आप उससे कर सकते हो उनका आपका कोई रिटेलर का पास जाके आप वहाँ से कर सकते हो। उनका एक एमपीओ एप्लीकेशन होता है उसी से भी पैकेज मोडिफिकेशन कर सकते हो। तो पैकेज मोडिफिकेशन के बारे में दोनों का ही लगभग बराबर है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम 5-6 मिनट का वक्त लग जाता है, बट टाटा स्काई में ये इशू तुरंत मिनटों में ख़त्म। ये आप अभी चेंज किया अभी आपका पैकेज स्टार्ट हो गया वही है। लेकिन इसमें मिनिमम रिचार्ज एयरटेल डिजिटल टीवी का मिनिमम रिचार्ज जो है 150 का नीचे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर टाटा स्काई में आप 50 रुपीज़ का भी रिचार्ज कर सकते हो। तो पहले टाटा स्काई में 20 रुपीज़ मिनिमम रिचार्ज था, हाल ही में इसको चेंज किया टाटा स्काई ने, मिनिमम 50 रुपीज़ का रिचार्ज लग गया। तो इसी से एयरटेल डिजिटल टीवी का पहले भी 150 था, अब भी 150 है कंटिन्यू। बाकी सेकेंडरी में दोनों का बराबर है ऑप्शन, जो सेकेंडरी में जो ट्राई ने नया रूल जो लागू किया उसको दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडरी में जो सब्सक्रिप्शन में थोड़ा बहुत सब्सिडी मिलता है दोनों में ही बराबरी है। तो क्योंकि भाई पैसा आपका है, चॉइस आपका है। मैंने तो दोनों का बारे में थोड़ा बता ही दिया जितना मुझे जानकारी है, मैंने कलेक्ट किया जितना जानकारी। तो अभी आप अपना चॉइस से जो भी प्रोडक्ट लेना है अपना चॉइस से लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।